लगे हैं, तू सत्य है मेरे प्रभु, तू ही मेरे जीवन का आधार है। तू मर गए हैं, महिमा
महिमा यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा ताली बजा कर गाते तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा ताली बजा कर गाते तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा पर्वत नदियाँ गाते तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा ऊंचे स्वर में गाते तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा सच्चे दिल से गाते तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा सारे मिलकर गाते तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा एक आवाज से गाते तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा दिल की गहराई से गाते तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा बोलिए महिमा महिमा यीशु तेरी महिमा यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा मुक्ति दाता यीशु यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा शांति प्रदाता यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा जीवन दाता यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा सकल चरा संग संग गाते तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा संदोंगे संग संग गाते तेरी महिमा महिमा यीशु तेरी महिमा दूतोंगे संग संग गाते तेरी महिमा महिमा तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा महिमा यीशु तेरी महिमा थोड़ी पे करो महिमा करो यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन 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 हालेलुया 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 महिमा महिमा यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा 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 तेरी महिमा 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 यीशु तेरी महिमा गाते रहे महिमा स्तुति करते रहे वर्षिप करते जाए महिमा करते जाए यीशु तेरी तेरी महिमा तेरी आराधना तेरी जय जयकार हालेलुया Yeah.
धन्यवाद 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 वर्शिप करें, आराधना करें, स्तुति करें। पवित्र रोटी में हमारे बीच में उपस्थित है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, विश्व मंडल के प्रताप ईश्वर, सर्वोच्च ईश्वर इस रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। हम उसकी महिमा करें, आराधना करें। उसके प्यार का कोई तुलना नहीं कर सकता, उसकी मोहब्बत की कोई सीमा नहीं। वो जान देकर प्यार करता है, अपने आप को रोटी के रूप में हमें देते हुए प्यार करते हैं, सबके लिए तोड़ तोड़ कर देते हैं। वही खुदा, वही प्रभु, आकाश और धरती का खालक और मालिक, सारे सृष्टि का मालिक, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च ईश्वर, त्रिएक ईश्वर, परम पावन ईश्वर, इज़राइल का परम पावन खुदा, इस रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। हाथों को बढ़ाते हुए हम प्रभु की आराधना करें, वर्शिप करते जाए। प्रभु की महिमा करें, आराधना 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 आराधना। हाथों को लहराते हुए आराधना आराधना। आराधना आराधना
हाथों को सीने से लगाएं, अपने आंखों को बंद करें, महसूस करें दूतों के संग, संतों के संग खुदावन खुदा की आराधना करें, पवित्र परम प्रसाद उपस्थित प्रभु की आराधना करें। सारे स्वर्ग यहाँ पर हमारे साथ आराधना में है, दूतगण हमारे साथ है, संतों की मंडली हमारे साथ है, मिलकर गाएं, वर्शिप करें, आराधना करें, महसूस करें। आराधना, आराधना, आराधना।
आराधना में लीन हो जाए लीन हो जाए। यीशु हमारे बहुत करीब है। आमीन। Yes Lord, we worship you Father, we worship you Jesus, we worship you Holy Spirit, Jesus, Hallelujah। तुलना करने के लिए कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। yes. तेरा प्यार इतना अनोखा है प्रभु जी। yes, my Lord. तो प्यार का सागर है प्रभु जी। एक पापी के लिए जान दे देता है। Amen. Hallelujah. एक पापी को बचाने के लिए प्रभु आपने आखिरी बूंद तक बहाया प्रभु जी। oh, क्या नहीं किया प्रभु जी। oh, yes. क्या नहीं किया प्रभु जी। क्यों नहीं मैं बोलूं आपकी स्तुति, मुझे प्रभु चुप रह नहीं पा क्योंकि तूने मेरे लिए क्या नहीं किया। वर्षिप करते जाए, स्तुति करते जाए, महसूस करते जाए और गहराई में महसूस करते जाए, उसके प्यार को महसूस करते जाए, रिसीव करते जाए, महसूस करते जाए। हालेलुया का प्यार का कोई सीमा नहीं। मैं आपको बदले में क्या दे सकता हूं, आपने मेरे पापों को नहीं देखा, मेरे गुनाहों की गिनती नहीं की, मैं कितने कीच में डूबा हुआ है आपने परवाह नहीं की, स्वर्ग छोड़ दिया आपने प्रभु जी, आप मेरे बदले जान दिया, मेरे पापों के खातिर मरा प्रभु जी। क्या
तुम्हें आ रहा है प्रभु। यस धन्यवाद प्रभु। मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि जितने भी समझेगा आपके प्यार का लंबाई चौड़ाई और डूंगाई मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे ज्ञान से परे है। आपका वचन में साफ लिखा है, कितने भी कोशिश करे मैं घाटे में रह जाऊंगा, तुलना कर नहीं सकता, तुलना कर नहीं सकता, और कोई नहीं प्रभु जो मुझे इस प्रकार प्यार करने वाला। मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी महिमा करता हूं, तेरी जय जयकार करता हूं, मेरा सारा जीवन तेरे लिए अर्पित करता हूं, अपना सब कुछ दे देता हूं। धन्यवाद। ओ आराधना 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 आराधना। ओ जीसस शरललललललललल वर्शिप करते जाएं, स्तुति करते जाएं, प्रभु यीशु का प्यार को महसूस करते जाएं, महसूस करते जाएं, महसूस करते जाएं, रग रग में नस नस में यीशु के प्यार को महसूस करो, यीशु के प्यार में डूब जाओ, डूबे रहें। प्रभु जी हाथ बढ़ाकर छूले, टच कर प्रभु, आंसुओं को पोछ रहा है, आपके आंसुओं को पोछ रहा। Hallelujah! 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 में लीन हो जाए। ये आराधना का समय है, छुटकारा का समय है, बंधनों से आजादी का टाइम है, जिंदगी को बदलने का टाइम है, जीवन का बदलने का टाइम है, छुटकारा का टाइम है। बहुत सारे बुरी आदतों से यीशु शिफा दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। दुआ करते जाए, आराधना करते जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आराधना करते समय प्रभु आपके हर एक छोटी छोटी बड़ी की बातों को जान रहे, आपके दिल की बातों को, आपके दिल के गहराई में प्रभु उतरेगा, आपको हर प्रकार के बंधनों से आजाद करेगा, आमीन, छुटकारा देगा, आमीन, बरकत देगा, आमीन, आशीष देगा, आमीन। बोले हालेलुया हालेलुया, आमीन बोलकर स्वीकारो, हालेलुया 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 हालेलुया। सबके मुंह खोल के प्रभु की स्तुति करना और रिसीव करना ब्लेसिंग को, हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि पता है आराधना के समय आपको पता नहीं क्या होता है, जब ईश्वर की महिमा होता है ना, प्रभु स्वर्गदूतों ने गाया सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति, स्वर्ग में ईश्वर की स्तुति और संसार में इस धरती पर हर मानव को शांति। बोलिए आमेन आमेन। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा जब होगा आपको और मुझको संसार में इस धरती पर शांति मिलेगी। बोलिए आमेन आमेन। और हम गाते हैं स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हालेलुया हालेलुया। जैसे आप स्तुति आराधना करेगा, प्रेज एंड वर्शिप करेगा, ऑटोमेटिक आशीष बरकत शांति छुटकारा चंगाई आपको मिल जाएगा। बोलिए आमेन आमेन। ये ऐसा ही होता है,
स्वर्ग के ईश्वर के यही तरीका है, हमारे अब्बा जान का यही तरीका है। उसकी प्रशंसा करेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसकी महिमा गाएगा, स्वर्ग आनंदित हो जाते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। फरिश्तों की मंडली आपके लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। महादूत संत मिखाएल, गब्रियल और रफाएल दूतों के करोड़ों करोड़ों दूतों की मंडली को लेकर आपके लिए तैयार हो जाएगा। बोले आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी बोलेगा आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, क्योंकि जब जहां कहीं भी, जब कभी भी आराधना होती है, स्वर्ग दूतों को वहां पर मौजूद होना पड़ता है। बोले आमेन, आमेन। क्योंकि स्वयं खुदा आराधना में उपस्थित है। बोले आमेन, आमेन। Our God resides in worship। बोले आमेन, आमेन। He abides in worship। हालेलुया, हालेलुया। आराधना में वास करता है, उपस्थित होता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आराधना में आपका कोई मेहनत नहीं, आराधना में आपके कोई प्रयास नहीं, आराधना में बच्चे जैसे होना है, बाप के गोद में बैठना है, उसके कंधे पर बैठना है और महसूस करना है, महसूस करना, उसके दिल का धड़कन महसूस करना, उसके सीने से लग जा। हालेलुया, बहुतों को छू रहा है यीशु, आपके बिल्कुल करीब है, महसूस करो। और यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया ना, उसको बोलना आप। यीशु मसीह की जो प्रार्थना है बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना, हम लोग कई लोगों की प्रार्थना बाइबल में देखते हैं, राजा दाऊद की प्रार्थना, राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना, अब्राहम की प्रार्थना, मूसा की प्रार्थना, आग के बट्टी में तीनों नवयुवकों का, शद्रक मेशक और अबेदनगो की प्रार्थना, जाबेश की प्रार्थना, अन्ना की प्रार्थना, बहुत सारी प्रार्थना, माता मरियम की प्रार्थना, पर यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया है, याद रख, प्रभु कहता है, प्रभु ने खुदा को, ईश्वर को पिता कहलाने बुलाया, अब्बा कहलाना सिखाया है। बोले हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे पिता, ये हमारे बाप, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी होती है, जमीन ते भी होगी, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यही प्रार्थना, इतना कम से कम सीख लिया, दिल से जिंदगी बदलेगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। कई समय से मैं कई लोगों को सिखाते आया हूं, प्यारे भाई और बहनों, हर सवेरे उठते ही कम से कम एक घंटा एक प्रार्थना, इस एक प्रार्थना को दोहराओ। मैं बताता हूं छोटे शब्दों में, उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ, दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, चारों दिशाओं में बोलना, प्रभु तेरा नाम पाक मनिया जावे। आमेन, आमेन। दुनिया के कोने कोने तक चारों दिशाओं में, हे प्रभु तेरा नाम पाक मनिया जावे। फिर बोलना, प्रभु ये चारों दिशाओं में तेरा राज आवे। क्या बोलना? तेरा राज आवे। कहां कहां? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों दिशाओं में। मैं कभी लिमिट लेके बोलता हूँ, कभी पूरे अंध दुनिया के अंध तक बोलता हूँ, पर मैं कम से कम बोलता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से कम 1000 किलोमीटर पूर्व की तरफ, 1000 किलोमीटर दक्षिण की तरफ,
हजार किलोमीटर उत्तर के तरफ, हजार किलोमीटर पश्चिम के तरफ, येशु तेरा राज आवे। बोले आमेन। आमेन। उसके बाद बोलना, तेरी इच्छा पूरी होवे, तेरी मर्जी पूरी होवे। हालेलुया। हालेलुया। उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, तेरी इच्छा पूरी होवे। बोले आमेन। आमेन। अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे जीवन में तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज आवे, आमेन, तेरी मर्जी पूरी होवे, आमेन। मेरे अंग अंग में, मेरे सर से लेके पांव तक तेरा नाम पाक मनिया जावे, आमेन। मेरी सोच में, मेरे विचारों में, मेरे ख्यालों में, मेरे सुख में, दुख में, हर अच्छाई और बुराई में, ये प्रभु तेरा नाम पाक मनिया जावे, आमेन। तेरा राज आवे, आमेन, तेरी मर्जी पूरी होवे, आमेन। प्रार्थना करते जाना, फिर मम्मी पापा के लिए नाम लेकर, एक एक का नाम लेना है, इसलिए टाइम लगेगा, फटाफट आप कर सकते, लेकिन एक एक नाम ले लो, पापा का, मम्मी का, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, सभी का नाम लो, एक एक का नाम लेकर दुआ करना शुरू कर, टाइम लगेगा। एक एक के लिए बोलना, हे प्रभु तेरा नाम इनके जीवन में भाग मानिया जाए। मैं आपको कहता, आपका पति मान लो उदाहरण के लिए शराब पीने वाला है, आप 10 दिन बोलो, हे प्रभु, पति का नाम लेकर बोलना, मेरे पति के जीवन में आपका नाम पवित्र माना जाए, पाक माना जाए, क्या लगता है आपको? हो जाएगा, उसके जीवन से कोई बुराई नहीं सुनने को मिलेगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। अपने आप बंद होगा, तेरा राज्य आवे बोलना, तेरा शासन आ जाए, प्रभु का शासन आएगा उसके जीवन में, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो जाए उसके जीवन में, तो फिर उसकी मर्जी ही पूरी होगा। बोले आमेन। किसी और का नहीं, शैतान का नहीं, किसी भी प्रकार के पाप के दुष्ट शक्ति नहीं, बल्कि खुदावंद खुदा की मर्जी उसके जीवन में 100% पूरा होकर रहेगा। बोले आमेन। मैं कहता हूं, क्योंकि ये मेरा दावा नहीं है, खुदावंद खुदा की दावा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की दुआ है। बस मैं आपको समझा रहा हूं, बस आप करना शुरू कीजिए, करना शुरू कीजिए। पढ़ाई में, नौकरी में तकलीफ है, बोलो प्रभु तेरा राज्य आवे मेरे नौकरी में, तेरा नाम पाक मानिया जावे, तेरी मर्जी पूरी हो। समय लेकर दुआ करना पड़ेगा, जल्दीबाजी में ऐसा डे बाप जड़ा आसमान नहीं चलेगा, समय लेकर बोलो। बोले हालेलुया। इसी तरह प्रार्थना कर, पहले सबका नाम लेना, फिर अपने देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, मंत्रीगण हो, एमपी हो, एमएलए हो, मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, देश के लिए, सरकार के लिए, अपने इलाके के, अपने अपने प्रदेश के सरकार के लिए, अपने अधिकारियों के लिए दुआ करना चाहिए ना, उनको हमारी दुआ की जरूरत है। कि राष्ट्रीय दलों के लिए प्रार्थना करो, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रार्थना करो, सभी धर्म के लोगों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु जी सभी धर्म में एक एक नाम लेकर बोलो, प्रभु तेरा राज्य आवे, तेरी मर्जी पूरी होवे, तेरा नाम पाक मनिया जावे, शांति आएगी देश में, समाज में, फौज के लोगों के लिए, जवानों के लिए प्रार्थना करो, है ना, आर्मी के लोगों के लिए, वायुसेना के लोगों के लिए, है ना, नेवी के लोगों के लिए प्रार्थना करो, पुलिस के लिए प्रार्थना करो, टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, छोटे छोटे ना सफाई कर्मचारी से लेकर छोटे छोटे से काम करने से ना बड़े बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, पंचायत प्रेसिडेंट से लेके दुनिया के सभी राष्ट्रों के नेताओं के लिए प्रार्थना करो। वह प्रार्थना क्या बोलना, तेरा नाम इनके जीवन में भाग माने जाए, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी पूरी होवे। बोले हालेलुया। हालेलुया। आप, मैं बताऊं, 10 लोग 100 लोग लगातार प्रार्थना करेगा, 1 महीना रोज दुआ करना चाहिए, 1 महीना आप देखेंगे आपके आस पड़ोस में पूरे वातावरण माहौल बदलेगा। क्या है, विश्वास है जी, विश्वास है जी। हालेलुया। हालेलुया। आप तकलीफ में होंगे, बीमारी में होंगे, परेशानी में होंगे, आपके
माहौल के वजह से, आपके जो वातावरण है, आपके जो सिचुएशन है, हालात जो है, जिससे आप परेशान होंगे, लेकिन हालात बदलेगा ना, बदलने के लिए बोलो, प्रभु ने सिखा के रखा है, उसके इस्तेमाल करना सीखो। बोले हालेलुया, 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 तो देखना जिंदगी बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, जिंदगी बदलेगी इस प्रार्थना से। आपको सोचा, आपने सोचा वो ये छोटा सा प्रार्थना इसमें क्या होना है, वो इतना बोलने के बाद घंटा लगेगा, पूरा एक वन आवर लगेगा इसके लिए। उसके बाद आप बोलना प्रतिदिन का आहार, रोज की रोटी दे। पहले है ना प्रभु की महिमा के लिए प्रार्थना कर, उसके राज्य के लिए प्रार्थना कर, उसके नाम पवित्र होने के लिए प्रार्थना कर, उसकी मर्जी के लिए प्रार्थना कर, उसके बाद रोज की रोटी बोलना। पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्यों, जब उसकी इच्छा पूरी होगा फिर टेंशन क्या है जी, रोटी देना उसी का मर्जी है, आपको भूखे रखने का नहीं है। आपको नौकरी नहीं मिलेगा प्रभु को बोलने से, क्या है, तेरा राज्य आवे, प्रभु का शासन आ जाएगा, फिर कौन आपके लिए रुकावट खड़ा कर सकता है, कोई रोक सकते हैं नहीं। आपका भविष्य में कोई रोक डाल सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। बोले हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि खुदा का राज्य आपके जीवन में है, उसकी मर्जी आपके जीवन में है, तो कौन सी शक्ति है को खुदा के विरुद्ध जा सकता है, कोई नहीं कर सकता। बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रार्थना की शक्ति और ताकत को समझे, और समझने के बाद प्रार्थना कर, फिर देखेगा महिमा। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे ही आप प्रार्थना कर रहे मेरे साथ इस वक्त ना, आप लोगों के जीवन में आशीष आना शुरू हो गया। बोले आमेन, आमेन, शुरू हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी दिशा से आपके लिए आशीष रोक रखा था, प्रभु उधर से आशीष की जो कनेक्शन चालू हो गया। बोले आमेन, आमेन। क्योंकि मंत्र तंत्र वाला हो, जादू टोने वाला हो, आपके विरोध ही है, कुछ ना कुछ कर रखा हो, क्यों ना हो, कहीं भी किसी भी जगह पर, वो सारा ये प्रार्थना बोलते ही बंधन टूटना शुरू होगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शराब नशे बिल्कुल जड़ से खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। बस आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आप जल्दीबाजी करेगा तो कुछ नहीं चलेगा। रोज टाइम निकालो, सवेरे उठो 4 बजे या 5 बजे सभी के उठने से पहले, फिर 1 घंटे का टाइम निकालो, 1 आवर टाइम निकाल। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना शुरू कर दिल की गहराई से। शुरू शुरू आत में थोड़ा बोरिंग लगेगा, बार बार बोलना पड़ता है प्रभु इसके जीवन में, उसके जीवन में, क्योंकि है ना हवा में तीर नहीं लगाना, और सबको आशीष दे नहीं चलेगा, एक एक का बोलना, प्रधानमंत्री का नाम लेकर प्रार्थना करना। बोले आमेन, आमेन, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है देश का। बोले आमेन, आमेन। अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, बिशप जी के लिए, पुरोहितों के लिए, सिस्टर्स के लिए, जो सेमिनारी में फादर बनने के लिए, पुरोहित बनने के लिए पढ़ाई करते उनके लिए, सिस्टर बनने के लिए पढ़ाई करते उनके लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, जो माँ के गर्भ में है बच्चे उनके लिए, तो आपको पता चलेगा मध्यस्थ प्रार्थना का मतलब क्या होता है। बोले आमेन, आमेन। पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करो, बहुत जरूरी है। अगर पति पत्नी का प्यार में टेंशन आया, पूरा परिवार खत्म, बच्चों का भविष्य खत्म। आपको पता है कितने परिवार टूट जाते हैं, तलाक में आते हैं, दुआ क्यों नहीं करते आप? हम लोग तो सोचते सारे ऑटोमेटिक चलते, नहीं, दुआ करना चाहिए। बोलिए आमेन, आमेन। अभी मीडिया के लिए प्रार्थना करो ना, टीवी है, मीडिया है, उसके लिए प्रार्थना करो, प्रिंट मीडिया के लिए, विजुअल मीडिया के लिए प्रार्थना करो, जो अपंग है, जिनके फिजिकल प्रॉब्लम्स है, मानसिक रूप से बीमार जो है, उनके लिए प्रार्थना करो, अनाथ है, गरीब है, विधवाएं हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, जो सड़कों पर है उनके लिए प्रार्थना करो, जिनका घर नहीं है उसके लिए प्रार्थना करो, जिनको एक रोटी के लिए कूड़े में जाते हैं लोग, प्रार्थना। मैं आपको कहता हूँ 100% आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसका तो गारंटी है, क्योंकि मेरे को यीशु मसीह की इस प्रार्थना में इतना भरोसा है। एक बार आपके
आवाज सुनने के लिए वो पिता तैयार रहते हैं। मेरे अब्बा, एक बार आप बुलाएगा ना अब्बा, स्वर्ग उतर आएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। आप क्यों शक करते हैं? इस दुआ में जो शक्ति है ना, उसको थोड़ा पहचान लीजिए ना। बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। आज तक आज आपने इतना गहराई से इस प्रार्थना को कभी नहीं किया, तो करना शुरू कर, जिंदगी बदलना भी शुरू करेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को बताइए ये प्रार्थना को ऐसे कराए, है ना। आपके घर के चारों तरफ जितने घर रहते हैं ना, किसी भी कौम के क्यों ना हो, उनके लिए दुआ करो ना। आप शायद पसंद नहीं करते हो, प्रार्थना करो उनके लिए। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो ना, शायद उनके वजह से आप दुखी होंगे, उनके लिए प्रार्थना करो। पति के वजह से, पत्नी के वजह से, बच्चों के वजह से, माँ बाप के वजह से दुखी है तो दुआ क्यों नहीं करते हैं? शिकायत करना बहुत आसान है, दुआ करना थोड़ा कठिन है। पर मैं आपको कहता हूँ, शिकायत करना बंद कर। दूसरों को बोलते नहीं रहना, देखो फलाना ऐसा है, मेरा अधिकारी ऐसा है, मेरा माँ बाप ऐसा है, मेरा पति ऐसा है ना। प्लीज दुआ करना शुरू कर, सब कुछ बदल जाएगा। बोलिए आमेन, आमेन। मैंने कही व्हाट्सएप में एक मैसेज देखा, अपने प्रॉब्लम के लिए दुखी होने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन प्रार्थना सब कुछ बदलता है। बोले आमेन, आमेन। वरीइंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स डजंट चेंज एनीथिंग, बट प्रेयर डस। प्रेयर बदलता है, सब कुछ बदलेगा। आमेन, बोले आमेन, आमेन। आइए अपने अपने स्थानों पर खड़े रहो जाइए। इस वक्त मैं आपके लिए पवित्र परम प्रसाद की उपस्थिति में प्रार्थना करने जा रहा हूं। स्वर्ग धरा का ईश्वर आपके जीवन में आशीष लाएगा। इस आराधना में जो भी तन मन से भाग ले रहे हैं, उनकी जिंदगी आज से कुछ अलग रहेगा। आमीन। पहले जैसा नहीं रहेगा। आमीन। बरकत की बारिश आपकी ओर आ रहा है। आमीन। आपके जीवन में उतर रहा है। आमीन। छुटकारा, चंगाई आपके जीवन में आ रहा है। आमीन। बस एक बार उस अब्बा पिता के शासन के लिए प्रार्थना करो, राज्य आने के लिए प्रार्थना करो, उसकी मर्जी के लिए प्रार्थना करो, उनके नाम पवित्र होने के लिए प्रार्थना करो। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी ना हो जिसके उसके नाम को बदनाम हो, उसके नाम अपवित्र हो। सब याद रखना, यीशु मसीह का नाम कभी भी मतलब बेइज्जती का कारण नहीं हो आपके जीवन के द्वारा। आपके जीवन में उसके नाम की महिमा शुरू कर, तब देखना क्या महिमा आएगा आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा याद रखना, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम पवित्र माना जाए। बोलिए आमेन, आमेन। आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, हर चीज लोग देख कर बोलना ये खुदा का बेटा है, बेटी है। हे प्रभु यीशु, अपने दोनों हाथ सिर पे रखिए और यीशु से बोलिए, हे प्रभु यीशु। बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। ये मेरा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ नहीं, ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। ये मेरा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ नहीं, ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है। मुझे छू ले, मुझे छू ले, छू के चंगा कर, छू के चंगा कर, आपके लिए, आपके लिए। हे यीशु, हे यीशु, आपके लिए, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। प्रभु जी, प्रभु जी, मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे दुखों में आ जाइए, दुखों में आ जाइए, मेरे संकट में आ जाइए, मेरे संकट में आ जाइए, मेरे कर्जों में आ जाइए, मेरे कर्जों में आ जाइए, मेरे भविष्य में आ जाइए, मेरे भविष्य में आ जाइए। यीशु मेरे परिवार में आ जाइए, यीशु मेरे परिवार में आ जाइए, मेरे आंसुओं में आ जाइए, मेरे आंसुओं में आ जाइए। मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है यीशु, मुझे आपकी जरूरत है, यीशु मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है यीशु, मुझे आपकी जरूरत है यीशु। हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास आया हूँ, अपना जीवन लेकर आया हूँ, अपना जीवन लेकर आया हूँ, अपनी जिंदगी को लेकर आया हूँ, जिंदगी
को लेकर आया हूँ, मेरे अपने सारे तकलीफों को लेकर आया हूँ, मैं अपने सारे तकलीफों को लेकर आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किसके पास जाऊँ, तेरे पास तो अनंत जीवन है, अनंत जीवन है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, मैं तेरे पास आया हूँ, 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 मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, आप मुझे संभालेंगे, आप मुझे संभालेंगे, आपकी करुणा महान है, आपकी करुणा महान है, आपकी दया महान है, आपकी दया महान है, हालेलुया, 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 मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, आप मुझे चंगा करेंगे, आप मुझे चंगा करेंगे, आप मुझे आशीष देंगे, आप मुझे आशीष देंगे, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मैं यहाँ से खाली नहीं जाऊंगा, यहाँ से खाली नहीं जाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप चाहे, आप चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, तो मुझे चंगा कर सकता है, आप चाहे, आप चाहे मुझे आशीष दे सकता है, आशीष दे सकता है, आप चाहे, आप चाहे मेरी जिंदगी को बदल सकता है, मेरी जिंदगी को बदल सकता है, एक शब्द कह दीजिए, एक शब्द कह दीजिए, मेरे लिए एक शब्द कह दीजिए, मेरे लिए एक शब्द कह दीजिए, हे यीशु, हे यीशु, मेरे लिए एक शब्द कह दीजिए, मेरे लिए एक शब्द कह दीजिए, मैं चंगे हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरे हालात बदल जाएगा, हालेलुया, 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 अपने आप को दे दो ना, प्रभु के हाथ में दे दो, फिर देखो क्या महिमा। आज मैं आपको दवा के साथ बताऊंगा, आपने सच्चे दिल से प्रार्थना में हमारे साथ दी तो आपके जीवन में ये प्रार्थना आपके जीवन का हिस्सा बन गया। फिर देखना महीना भर 30 दिन आप लगातार ये प्रार्थना बोलो, जैसे मैंने आपको बताया 30 दिन बोल कर देख, आपके पूरे सिचुएशन बदलेगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप गवाही देना शुरू कर, गवाही देना शुरू कर, अपने अपने इलाके में जाकर बोलो, जब मैंने ये आराधना में भाग लिया मेरे जिंदगी बदल गया, हालेलुया, हालेलुया, मेरा डिप्रेशन दूर हो गया, हालेलुया, हालेलुया, मेरे को नौकरी लग गया, हालेलुया, हालेलुया, मेरे अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिला, हालेलुया, हालेलुया, मुझे नौकरी लग गया, हालेलुया, हालेलुया, मेरे पढ़ाई में बरकत आ गया, हालेलुया, हालेलुया, मेरे रुके हुए काम शुरू हो गया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदर गवाही आएगा, टेस्टिमनी आएगा। टेस्टिमनी के लिए ईमानदारी से आपको अपने टूटे हुए अवस्था में प्रभु के पास आना पड़ेगा। बोलिए आमेन, आमेन, और आपका जीवन बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों को प्रभु छू रहा है आज, मैं महसूस कर सकता हूँ। यीशु का हाथ आपके ऊपर है, यीशु के हाथ आपके ऊपर है, यीशु के हाथ आपके ऊपर है। धन्यवाद। आप किसी भी चिंताओं से परेशान क्यों ना हो, प्रभु कहते हैं चिंता ना करो। Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु कहते चिंता ना कर, प्रभु कहते चिंता ना कर। बोले आमेन, आमेन। मैं तेरे लिए चिंता करता हूँ। बोले आमेन, आमेन। Hallelujah. I will fight for you. मैं तेरे लिए युद्ध करेगा। आमेन। प्रभु कहते हैं मैं तेरे लिए उठ खड़ा हुआ हूँ। जब प्रभु खड़ा है कौन उसके सामने खड़ा है? Yes, yes. यदि परमेश्वर मेरे बल है तो क्या फर्क पड़ता है कौन मेरे विरुद्ध है? प्रभु मेरे बल है, प्रभु मेरे पक्ष में है। अगर ईश्वर मेरे पक्ष में है कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे विरुद्ध है या दूसरे पक्ष में है। इफ गॉड इज ऑन माई साइड डजंट मैटर हु इज ऑन द अदर साइड, इफ गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर परमेश्वर मेरे बल है तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन दूसरे पक्ष में है। बोलिए आमेन, आमेन। हाँ, यस यीशुस। आइए ऐसी सारे घुटने टेक इस वक्त पवित्र परम प्रसाद की आशीर्वाद ग्रहण करें। इलाही भेजो सिजदा करिए बारंबार, इस इलाही भेजो अहद
पुराना मात हुए नवा एज बद दावे एज पुराना मात हुए नवा एज बद दावे बेटे दे सदा गाए महिमा की बाप खुदा दे बेटे दे सदा गाए महिमा की ओ न चो निकले पाक रूदी ओ न चो निकले पाक रूदी जतयोस्तत पूरी होवे इस इलाही भेद हो तूने उनानु आसमानी रोटी दी जिस जहां दाना द्रस मिलता है असीम प्रार्थना करी है खुदा तू इस उत्तम सक्रमन राय अपने दुख भोग दी एक यादगार दिती सानू अपने शरीर ते लहू दे पवित्र बेदा इस प्रकार आदर करने दा फसल बख्श कि असी सदा मुक्ति दे फल नू अनुभव करी तू जो जिंदा ते राज करदा है सदा तू सदा तीक आमीन असी सोता पवित्र परम प्रसाद की आराधना महिमा करते हुए वंदना करें पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा